ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए हमें क्रोम में जाके सबसे फर्स्ट में डेस्कटॉप साइट को ऑन करना होगा। डेस्कटॉप साइट ऑन करने के बाद हमें सर्च बार में जाके टाइप करना होगा amazon.in। जब हम amazon.in सर्च कर लेंगे, हमारे पास ये अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा। और सबसे उसके बाद हमें यहाँ पे साइन इन करना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। साइन इन करने के बाद हमें सबसे नीचे जाना है। हाँ, सबसे नीचे जाना है। एक यहाँ पे ग्रुप दिख रहा होगा, मेक मनी विथ अस। इस ग्रुप में एक और सेक्शन दिख रहा होगा, बिकम एन एफिलिएट। तो हम लोग क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन दिख रहा होगा साइन अप का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो साइन अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें अपना एड्रेस चूज़ करना होगा। तो अगर आपने एड्रेस चूज़ नहीं किया तो एड्रेस फिल करोगे। एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसके अकाउंट में पैसे जाएगा। पे लिस्टेड एवा, हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्लिक कर रखा है क्योंकि हमारे अकाउंट में जाएगा। अगर सेकंड वाला क्लिक करोगे तो दूसरे में जाएगा। और सेकंड में दिख रहा होगा US पर्सन। तो आप US पर्सन हो तो येस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। देन हमारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा। इस पेज में हमें अपने वेबसाइट के लिंक डालने हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक फिल करना है। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो उसका भी लिंक आप अब यहाँ पे फिल करोगे। आप यहाँ पे एक से लेके 50 तक 50 मोबाइल ऐप और वेबसाइट तक का लिंक हम अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पे लिंक अपडेट करते हैं, लिंक को ऐड करते हैं। बिकॉज़ हम लोग का यूट्यूब चैनल है तो हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूट्यूब का लिंक कॉपी कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं, ये पेस्ट कर दिए और ऐड करेंगे। एंड देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए दिख रहा होगा। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। आप एज ए नाम भी यूज़ कर सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमें यही मिलेगा, बिकॉज़ जो यूज़र नेम अवेलेबल होगा हमें वही मिलेगा। नाम फिल करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो लिंक तो हमारा पहले से ऑलरेडी पेस्ट है ही। दूसरा हमें दिखता है व्हाट इज़ योर वेबसाइट मोबाइल अबाउट एप्स। आपका जो मोबाइल ऐप और वेबसाइट है वो किस बारे में है, आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं माई यूट्यूब इज़ अबाउट सोशल मीडिया एंड टेक रिलेटेड। एंड देन आप यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो अपने अबाउट में। आपका जो वेबसाइट है, जो भी है, उसको लिख के यहाँ पे फिल कर सकते हो। एंड फिर चलेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ पे सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक, आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा किस चीज़ के बारे में, आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे आप क्या करोगे, क्या डिस्क्राइब करोगे, क्या बताओगे, क्या डालोगे। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सेकेंडरी ऑप्शन में भी सेम चीज़ हम लोग कर लेते हैं। आप कुछ अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें वो फिल करना होता है कि आप जो अपनी वेबसाइट है, आपका जो मोबाइल ऐप है, वहाँ पे आप क्या दिखाओगे, वहाँ पे आप क्या शो करोगे, किस टाइप के प्रोडक्ट को जो लिंक जनरेट करके वहाँ पे फिल करोगे। एंड देन फिर आपको यहाँ पे आता है, यहाँ पे दिखता है हमें कि हमें जो हमारा जो वेबसाइट है और जो मोबाइल ऐप है वहाँ पे हम किस किस टाइप के प्रोडक्ट को डालेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, शूज़, कंप्यूटर्स, तो हम लोग तीन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल अबाउट ऐप। आपका जो मोबाइल ऐप और वेबसाइट है वो किस कैसा है, किस चीज़ का है, मतलब कैस किस बारे में है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे अदर। सेकेंड में, सेकेंडरी ऑप्शन में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर कुछ और। तो हम लोग सोशल मीडिया या फिर अदर भी कर सकते हो। देन फिर हमें यहाँ पे मिलता है कि आपका जो सोशल वेबसाइट है, जो आपका जो वेबसाइट है या फिर जो ऐप है, वो कैसे आप वहाँ पर ट्रैफिक लाते हो। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, बिकॉज हमारा यूट्यूब है तो हमारा यही होगा। और SEO करके ये हो गया। सोशल नेटवर्क्स भी आप कर सकते हो। फिर आपका जो ये है, आप कैसे अर्न करते हो, आप कमाते कैसे हो, मतलब आपकी जो अर्निंग है वो कैसे अर्निंग होती है। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेम चीज़, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमारी अर्निंग होती है। एंड आप फिर हमें दूसरा सेक्शन दिखता है कि आप अपना जो लिंक है वो कैसे जनरेट करोगे, कैसे अपने लिंक को बनाओगे। तो ऑर्डर कर देते हैं यहाँ पे। फिर हमें दिखता है कि आपके चैनल पे, आपके वेबसाइट पर मंथ कितने विजिटर्स आते हैं। आपका जो चैनल है, आपका जो वेबसाइट है, कितने
विजिटर आते हैं हर मंथ, तो हम 501 से लेके 5000 तक कर सकते हैं। आपका बड़ा है तो आप बड़ा कर सकते हो, बिकॉज हमारा अभी छोटा चैनल है। और आप क्यों अमेजोन एसोसिएट ज्वाइन करना चाहते हो? ऑफकोर्स पैसा कमाने के लिए, टू मोनेटाइज माई साइड। एंड देन हाउ यू हेयर अबाउट अस, इसके बारे में आपने कैसे सुना? ऑनलाइन सर्च या वर्ड ऑफ माउथ, आप कुछ भी डाल सकते हो। एंड देन हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के लिए कैप्चा में क्या है, N4। ओके, हम लोग कैप्चा फिल करते हैं, फिर बात करते हैं इसके आगे। पहले कैप्चा फिल करते हैं। तो कैप्चा हम लोगों ने फिल कर लिया और एग्री यू एग्री पे क्लिक करके फिनिश करेंगे। और जैसे ही हमने पहले बात किया था कि हमारा जो इस यहाँ पे नाम हम लोगों ने फिल करा था वो अवेलेबल नहीं है, तो कुछ हम अलग डाल सकते हैं इसमें, 00007, बिकॉज सिर्फ नाम से नहीं लेता। एंड देन फिर हम लोग यू एग्री पे क्लिक करके फिनिश करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। हम लोग ये सब इसको फिर से चेक कर लेंगे कि हम लोगों ने सही सब कुछ भरा या नहीं, सब कुछ फिल करा या सही से नहीं। एग्री पे क्लिक करके फिनिश करते हैं। और फिर हमारा ये फिनिश हो चुका है और ये हमारा बनके रेडी हो चुका है अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट। और ये हमारा स्टोर आईडी भी आ चुका है, ये इस टाइप का, ये आपको दिख रहा होगा, Deepak00703021। ये हमारा स्टोर आईडी। अब आप यहाँ पे पेमेंट के बारे में बोला था कि आपका जो पेमेंट है, जो अर्निंग है, आपको कहाँ मिलेगी, तो हम लोग आप यहाँ अभी तुरंत जस्ट कर सकते हो, बट हम लोग बाद में लेटर में करेंगे, हम लोग बाद में फिल करेंगे, लेटर करते हैं। आप यहाँ पे जस्ट तुरंत भी कर सकते हो, आप अपना बैंक डिटेल्स सारा चीज़ फिल कर सकते हो। और यह हमारा अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट बनके रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ के आकर देख सकते हो अर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को लिंक किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट के जो जनरेट होते हैं। बस यही कुछ था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट के लिंक जनरेट करते हैं और कैसे हम अर्निंग रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।